गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। तो आज का वीडियो भी विटामिन सी से रिलेटेड होने वाला है। एज आई प्रॉमिस कि मैं विटामिन सी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो आज जो प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, बिकॉज अगर मैं आपको जितने भी विटामिन सी के प्रोडक्ट बता चुकी हूँ या बताने वाली हूँ, इन सब में अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तो वो प्रोडक्ट है ये वाओ का विटामिन सी फेस सीरम। ओके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट इन दिस कलेक्शन, एंड एज यू कैन सी आई ऑलरेडी यूज इट हाफ एंड इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू बिकॉज आई ऑलरेडी यूज इट एंड आफ्टर यूजिंग ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो इसके बारे में अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर विटामिन सी की जो क्वांटिटी है वो है 20%। यहाँ पे 20% इसलिए मेंशन है क्योंकि आपकी स्किन के लिए जितना विटामिन सी, स्किन केयर के लिए जितना विटामिन सी आपको चाहिए होता है वो 15-20% तक ही चाहिए होता है। इसमें प्योर विटामिन सी है वो 20% है, इसलिए ये मोर इफेक्टिव है। इसके साथ साथ इसमें भी कोई पैराबेंस नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, कांच की, ये ग्लास की बॉटल है और यहाँ पे कैप है, ये यू शेप में कुछ ऐसा है, आपको यहाँ से निकालना है एंड देन यू हैव टू जस्ट पंप इट लाइक दिस। और ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आता है, मैं आपको स्प्रेड करके एक बार दिखा देती हूँ। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी रनी नहीं है, एज यू कैन सी ये ईजिली स्प्रेड भी हो गया है एक पंप में बहुत अच्छी तरीके से। और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, टोटल ट्रांसपेरेंट है ये। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन हैं। इसके अंदर विटामिन सी है वो तो कॉमन है, उसके बाद विच हेजल एंड हाइलोरोनिक एसिड, और ये हमारी हेल्प करता है स्किन को हाइड्रेट करने में और ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन करने में। इसके साथ साथ ये हमारी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, हमारे कोलेजन को कम करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट सप्पल लुक देता है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, अब मैं आपको अपना रिव्यू बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये मतलब इसका ये है कि अगर आप इसे अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी स्किन को सुपर सॉफ्ट बना देता है, विच इज़ रियली नाइस, आपको बहुत अच्छा फील आता है। और अगर बात करें कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है कि नहीं, ये ऐसा करता है, बट एज आई सेड कि आपको प्रोडक्ट को टाइम देना पड़ता है। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे अपनी नोज़ के अराउंड और माउथ के अराउंड थोड़ा सा ब्लैक हो रखा था, और जब मैं इसे अब कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सारे प्रोडक्ट में सबसे फास्ट अगर किसी ने काम किया है तो वो ये है, और मैं आपको बोलूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं। तो एज आई सेड के सेंसिटिव स्किन के लिए विटामिन सी इट्स नॉट सेफ, आपको पैच टेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको फिर से यही बोलूँगी कि आप इसको यूज़ करने से पहले, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव पिंपल्स रहते हैं और आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ से भी इरिटेशन हो जाता है, तो आप इसे एक बार यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप कोई ऐसा सीरम यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी की क्वांटिटी कम हो। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, कोई भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के। तो मैं इस प्रोडक्ट को थम्स अप ज़रूर दूंगी, और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इट्स रियली गुड। तो आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, आपको ये सीरम भी बहुत पसंद आया होगा, और ये सच में बहुत अच्छा सीरम है बिकॉज मैंने इसे यूज़ किया है और अभी भी मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। तो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।